यूट्यूब चैनल ब्लैक किंग फैक्ट। सो गाइज, कल के वीडियो में मैंने आपको 5 महीने के ऑप्शंस के बारे में बताया था। गाइज, आज की वीडियो में नोटपैड के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जो कि आपको नोटपैड में मिल सकता है। तो गाइज, यहाँ पर हम करते हैं नोटपैड टाइप और यहाँ पर लेते हैं हम नोटपैड को अपने स्क्रीन पर और यहाँ पर आपको बताएंगे कि आज 5 मेन्यू के बाद है एडिट मेन्यू का काम। तो जो कि एडिट मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो गाइस यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन थे इनके बारे में कुछ डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो गाइस यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल ब्लैक किंग फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल कीजिए ताकि आपके पास कंप्यूटर संबंधित सभी ऐसे वीडियोज़ आए ताकि आप भी कंप्यूटर के बहुत से ऐसे नॉलेज और बहुत से ऐसे टिप्स को जान सके ताकि आप भी कंप्यूटर का सभी वर्क आसानी से कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो को करते हैं हम जल्दी से स्टार्ट। तो गाइस सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एडिट मेन्यू में हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर दिया है सबसे पहला ऑप्शंस अंडो का, अंडो क्या कहलाता है। तो दोस्तों सबसे पहले अंडो मतलब किसी हमने टाइप किए हुए वर्ड को कंट्रोल जेड करने पर अंडो हो जाता है, या तो फिर किसी टाइप के वर्ड को हमने ऐसा कट किया होता है तो उसको कंट्रोल जेड के साथ वापस इसी अवस्था में लाना, ये अंडो कहलाता है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर कट, ये जब हम इस ऑप्शंस को अंडो करते हैं और इतना एरिया जब हमारा सिलेक्ट होता है यहाँ पर बहुत सारा कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं इतना एरिया कॉपी कर लेता हूँ और एडिट मेन्यू के सेकंड ऑप्शंस पर जाता हूँ, कट वाले ऑप्शन पर। इसके लिए शॉर्टकट किए कंट्रोल एक्स। तो गाइस इसे कंट्रोल एक्स के जरिए तो फिर इस मेन्यू को क्लिक करके यहाँ से इसे कट किया जाता है। तो गाइस यहाँ पर सेकंड ऑप्शंस के बाद कॉपी ऑप्शन। तो गाइस यहाँ पर इस ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होता है, यहाँ पर किसी भी एरिया को आपको जो नहीं चाहिए या तो फिर बहुत बार चाहिए उसको कॉपी कर लीजिए। तो कॉपी करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर एक कॉपी होने के बाद इस ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं और यहाँ से उस कॉपी ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल सी। तो गाइस यहाँ पर है उसके बाद पेस्ट ऑल ऑप्शन। जिन भी कॉपी ऑप्शंस को यूज करते हैं, अंडो को यूज़ करते हैं और कट को यूज़ करते हैं, वह पेस्ट का सबसे ज़्यादा आवश्यक काम होता है यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर जैसे भी कॉपी कर लेते हैं इस एरिया को हम कंट्रोल सी के जरिए और उसे बार बार पेस्ट करने के लिए हमको कंट्रोल वी की आवश्यकता होती है। तो गाइस इसके लिए शॉर्टकट की भी दी है कंट्रोल वी। तो गाइस यहाँ आप देख सकते हैं बहुत बार ये इसका ज़्यादातर यूज़ होते रहता है, तो इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है पेस्ट का, कंट्रोल वी दिया होता है पेस्ट करने की शॉर्टकट की। उसके बाद है नेक्स्ट डिलीट की। डिलीट मतलब डेल की इसमें शॉर्टकट की होती है कीबोर्ड में, यहाँ से शॉर्टकट से कर सकते हैं आप और किसी भी एरिया को, सिलेक्टेड एरिया को आप कंट्रोल के साथ तो नहीं करना होता है। इसके लिए कीबोर्ड में डेल के ऑप्शन दिया होता है, इसे डिलीट करने पर यहाँ पर डिलीट हो जाता है इतने ऑप्शंस। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर सर्च विद बाइंड। यहाँ पर मतलब किसी भी कंटेंट के बारे में हम सर्च करते हैं तो यहाँ पर सर्च के लिए हो जाता है, उसके संबंधित डिटेल ब्राउज़र पर हमें मिल जाती है और उसके बारे में जानने के लिए हमें नोटपैड सीधा ब्राउज़र की ओर ले जाता है। तो गाइस उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर फाइंड ऑप्शंस। तो गाइस किसी भी वर्ड को ढूंढने के लिए कंट्रोल एफ से एक पॉपअप मेन्यू ऊपर होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं किसी वर्ड को टाइप करूँ तो वो वर्ड यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो गाइस इस सभी ऑप्शंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो आप देख सकते हैं और सभी डिटेल्स मेनू के बारे में जान सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा जहाँ पर आप देख सकेंगे कि वहाँ पर कौन कौन से ऑप्शंस के डीपली जानकारी दी होंगी। तो गाइस इनके बहुत ज़्यादा अंदर डिटेल्स होंगे तो उसके बारे में बहुत सी जानकारी आपको अगले वीडियो में देते रहूँगा। तो गाइस यहाँ पर है फाइंड नेक्स्ट वीडियो। फाइंड नेक्स्ट में क्या होता है कि अगर पहला वर्ड ढूंढ लिया होता तो नेक्स्ट वर्ड ढूंढने के लिए यहाँ पर शॉर्टकट की है F3, यहाँ पर शॉर्टकट से आप ढूंढ सकते हैं। फाइंड प्रीव्यू, अगर आपने उस वर्ड को ढूंढ लिया है लेकिन वहाँ आपने नेक्स्ट कर दिया है F3 से, तो उसे शिफ्ट F3 के साथ बैक में आप ले सकते हैं और ढूंढ सकते हैं। रिप्लेस,
जो कि किसी भी वर्ड को आप चेंज करना चाहते हैं किसी किसी भी सिलेक्टेड एरिया से, तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं। उसके लिए शॉर्टकट की भी दी है, Ctrl+H। Ctrl+H करने पर कुछ ऐसा पॉपअप मेन्यू होता है, और इस वर्ड के स्थान पर मैं लिखता हूँ ब्लैकिंग फैक्ट। गाइस ये मैंने अभी लिख दिया और यहाँ पर करते हैं रिप्लेस, तो आप देख सकते हैं उसने सिलेक्टेड एरिया में ब्लैकिंग फैक्ट करके आ चुका है। और यहाँ पर रिप्लेस ऑल करेंगे तो भी वहाँ पर सभी जगह ब्लैकिंग फैक्ट टाइप होकर आ जाएगा। तो गाइस वहाँ पर आप आगे रिप्लेस भी हो गया है गो इट। जब किसी भी सिलेक्टेड स्थान पर हम Ctrl+Z करते हैं तो आप देख सकते हो वहाँ पर मतलब किसी प्रकार के एक लिंक पर क्लिक हो जाता है और वह कार्य करना चालू कर देता है। तो गाइस नेक्स्ट हमारे पास एडिट मेन्यू में सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन, Ctrl+A के साथ भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं या तो फिर एडिट के सिलेक्ट ऑल मेन्यू में से भी आप कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर एक टाइम और डेट का ऑप्शन भी दिया है, जो कि नोटपैड में एक सिंपल तरीके से F5 बटन इसके लिए शॉर्टकट की दी है। यहाँ पर आप F5 दबाकर अपने नोटपैड को टाइम और डेट के साथ सेट करते हैं। तो गाइस आपने सिंपली आज नोटपैड में एडिट मेन्यू के बारे में सीख लिया है। तो गाइस इसमें सभी प्रकार की डीपली जानकारी के लिए मैं और भी वीडियोस शॉर्ट में डाल दूंगा, जो भी आप देख सकते हैं और डीपली उनकी जानकारी देख सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।